हमीरपुर के अणु में प्रसार भारती और राजेंद्रा लोटस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने रैली निकालकर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। स्कूली बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर व नारों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और अपने आसपास सफाई रखने के संदेश दिया। इस अवसर पर प्रसार भारती और स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। बच्चों ने चिल्ड्रन पार्क हीरानगर में भी सफाई की और पार्क में उगी झाड़ियों को भी उखाड़ा। आकाशवाणी हमीरपुर के सदस्य करणवीर सिंह ने बताया कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि हम अपने आसपास सफाई रख सकें। साथ ही लोगों को पर्यावरण के बारे में भी जानकारी दी जा रही है कि पर्यावरण को किस तरह से साफ सुथरा रखा जा सकता है। दो बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू है और साथ साथ में क्लाइमेट चेंज जो है वो भी बहुत बड़ा इशू है। ये पहाड़ों का एरिया है, जिस तरह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे एनवायरमेंट की है या क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स हैं, एक तो इसका पूरे संसार के संदर्भ के साथ ये जो है जुड़ाव रखता है, और दूसरी जो बात है, क्योंकि ये फ्यूचर के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए आज हमने ये बच्चों को यहाँ पे इनकी उन इश्यूज के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे इन्वाइट किया है कि सो दैट कि जो हमारा फ्यूचर है, जो आने वाली जनरेशन का फ्यूचर है, उसको हम लोग सेव कर सकें। बच्चों में अवेयरनेस होगी तो नेचुरल है कि ये समस्याएं जो हैं वो बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग हल कर पाएंगे। तो इतना सा ही मुझे आज आपसे। वहीं स्कूली बच्चों ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया कि एक पेड़ काटने के स्थान पर हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार कर पाएं और अपने वातावरण को स्वच्छ रख पाएं। मैं आज आपको स्वच्छता के ऊपर कुछ पंक्तियाँ बताने जा रही हूँ। जैसे कि आजकल नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छता के ऊपर कई अभियान चलाए हैं, हमें भी उनके ऊपर गौर करना चाहिए तथा अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी के बर्थडे या उनकी शादी पर उन्हें महंगा से महंगी गिफ्ट ना देकर उन्हें एक पौधा लगाने के लिए कहना चाहिए। अगर हम एक पौधा काटते हैं तो हमें 10 और लगाने चाहिए। मैं ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में देना चाहती हूँ कि हमें एक पौधे को काटकर 10 और लगाने चाहिए। और मैं आज सभी आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में एक अभियान शुरू किया जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान से जाना जाता है। इस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी की 150वीं सालगिरह जो 2019 में पूरी होने वाली है, तब तक हम इस अभियान को पूरा करें और अपने पूरे वातावरण, पूरे आसपास के वातावरण को, अपने पूरे देश को स्वच्छ बनाएं। अगर हम अभी अपने वातावरण को स्वच्छ नहीं रखते हैं तो हमारे आने वाला भविष्य है उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि स्वच्छ रहें और स्वच्छ भारत बनाएं।